हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एड, जिसको कि हम एड वर्ड्स भी बोलते हैं, और एड सेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि गूगल एड वर्ड किस लिए है और जो है एड सेंस किस लिए है। इसको मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एड वर्ड और जो एड सेंस है, ये सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है गूगल का, जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पैसा कमाने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए है और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गूगल का एडवर्ड है वो 2000 में आया था, जबकि जो एडसेंस है वो 2003 में आया था। उसके बाद आते हैं कि एडवर्ड किस पर्पस के लिए है और एडसेंस किस पर्पस के लिए है। सपोज आपका कोई बिजनेस है, सपोज आपका कोई वेबसाइट है और आप उसका एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे देखते होंगे, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो साइड में एडवर्टाइजमेंट आता है, और बहुत जगह इंटरनेट में, या आप देखते होंगे कि जब आप google.com में जब सर्च करते हैं तो ऊपर जो है बहुत सारे एड्स आते हैं, साइड में एड आता है। उसके बाद जब आप जो जीमेल खोलते हैं तो वहां पर एड आता है। तो इस तरह के बहुत सारे एड आते हैं, इवन बहुत सारे दूसरे तीसरे वेबसाइट में भी एड आते हैं जो पॉपुलर वेबसाइट्स होते हैं। तो वहां पर जो एड आते हैं वो एड आप दे सकते हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू, और अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस को पॉपुलराइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सपोज एक मोबाइल सर्च करते हैं, तो आप तुरंत देखते होंगे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके जो है एडवर्टाइजमेंट, आप कहीं पर भी इंटरनेट में जाते हैं वहां पर एडवर्टाइजमेंट आने लगता है। वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है मोस्टली गूगल एडवर्ड के थ्रू होता है। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इस तरह के एड देते हैं, पर इसमें से गूगल एडवर्ड का भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये काम आप जो है एडवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने कोई वेबसाइट लॉन्च किया और आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट में, और आपको लग रहा है कि वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा अपने आप से, तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल एडवर्ड जो है यूज कर सकते हैं। और यहां पर गूगल के एडवर्ड या एडसेंस दोनों को यूज करने के लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और उस जीमेल अकाउंट के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं कि एडवर्ड के थ्रू एड जो है दे सकते हैं और एडसेंस के थ्रू आप एड जो है ले सकते हैं अपने जो भी कंटेंट है उसके ऊपर। हालांकि एडसेंस पे फिर हम अलग से अभी बताएंगे आपको। उसके बाद क्या है, गूगल में जो भी आप एड देंगे, मतलब आप अपने बिजनेस का या आप अपने वेबसाइट का जो भी आप एड देंगे, वो आपके google.com में जाएगा, गूगल सर्च नेटवर्क में जाएगा, गूगल के जितने भी सर्च नेटवर्क हैं, और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में भी जाएगा। मतलब केवल ऐसा नहीं कि गूगल का जो सर्च नेटवर्क है उसी में जाएगा, जो नॉन सर्च प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपके एड जो है डिस्प्ले होंगे। यहां पर गूगल एडवर्ड हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस, अपने वेबसाइट में ट्राफिक लाने के लिए, ठीक है। हम लोग यहां पर गूगल एडवर्ड का यूज करते हैं। यहां पर गूगल में सपोज दैट आपने कोई एड दिया, अपने बिजनेस का एड दिया, तो कैसे आपको पे करना है, आपको पर क्लिक पे करना है। आपके एड पे जब क्लिक होगा तभी जाके आपको पे करना पड़ेगा, पर यहां पर एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। और जैसे आपके एड में क्लिक होते जाएंगे आपके वैसे वैसे पैसे कटते जाएंगे। तो ये जो है गूगल एडवर्ड का यूज करके आप जो है अपने एड दे सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूं, सपोज दे कि अब मैं एक किसी शहर में, जैसे मैं बात करूं गाजियाबाद में, गाजियाबाद में राजेंद्र नगर एक छोटा सा कॉलोनी है। सपोज दैट आपको राजेंद्र नगर में छोटा सा कॉलोनी है और वहां पर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और वो लोकल लेवल पे है, तो आप सोचेंगे कि मुझे गूगल में एड देके क्या फायदा, मुझे तो लोकल कस्टमर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल एडवर्ड में जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका एड डिस्प्ले होगा वो कहां होगा, किस स्टेट के, किस सिटी के, और उस सिटी में किस लोकेशन पे वो एड डिस्प्ले होगा, इतना तक जो है आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो सपोज दैट आपका छोटा मोटा भी अगर बिजनेस है और एक लोकल लेवल में है तो भी आप गूगल एडवर्ड में अपना एड दे सकते हैं। वहां पर आप राजेंद्र नगर सेलेक्ट कर ले कि आप
उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद के अंदर राजेंद्र नगर सिलेक्ट कर ले, तो राजेंद्र नगर के आसपास जो भी लोग अपना गूगल ओपन करेंगे या जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर आपका एड नजर आएगा। तो ये गूगल एडवर्ड का काम है। अब आते हैं गूगल एडसेंस पे। यहां पर एडवर्ड तो अपने बिजनेस का एड देने के लिए है, एडसेंस होता है गूगल से एड लेने के लिए। जैसे सपोज दैट आपने कोई वेबसाइट लॉन्च किया और वो वेबसाइट बहुत चल गया, आपके वेबसाइट में करोड़ों का ट्रैफिक है मंथली, तो आप चाहेंगे कि क्यों ना हम वेबसाइट से पैसे कमाएं, पर क्या आप इंडिविजुअल लोगों के पास दौड़ेंगे कि मुझे एडवर्टाइज दो मुझे एडवर्टाइज दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने वेबसाइट को आप रजिस्टर कर सकते हो। यहां पर भी अकाउंट जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए और आप उस जीमेल अकाउंट से एडसेंस में लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को रजिस्टर कराएं और उसके बाद गूगल एडसेंस क्या करेगा, एक बार रिव्यू करेगा आपके वेबसाइट को कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, आपका वेबसाइट कैसे है, उसके कंटेंट कैसे हैं, उसको एक बार रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद एक बार अगर अप्रूव कर दिया तो उसके बाद गूगल अपना जो एड है वो आपके वेबसाइट पे प्लेस करने लगेगा, मतलब कुछ एड आपको देने लगेगा। और उस एड पे अगर कोई क्लिक करता है, जैसे कोई आपके वेबसाइट को ओपन करता है और उस समय कोई भी यूजर उस एड्स में क्लिक करता है तो उसके कुछ परसेंटेज, क्योंकि जब यूजर उस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि गूगल को इनकम होगा उस एड से, तो गूगल को जो इनकम होगा उसमें से कुछ परसेंटेज वो आपको देगा, कुछ क्या अच्छा खासा परसेंटेज आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आप महीने के लाखों करोड़ों रुपए तक आप जो है गूगल के एडसेंस अकाउंट से कमा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है मोनेटाइज वेबसाइट। तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, आप अपने ब्लॉग्स को कर सकते हो। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे लोग ब्लॉगिंग चलाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो अपना ब्लॉगिंग चलाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं और फिर उसे मोनेटाइज कर देते हैं, क्योंकि जब वो ब्लॉग लिखते हैं तो बहुत सारे यूजर्स उसके ब्लॉग को पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ट्रैफिक आने लगते हैं, तो एक समय के बाद वो क्या कर देते हैं, उसे मोनेटाइज कर देते हैं। तो जैसे वो मोनेटाइज करते हैं तो गूगल अपना एड प्लेस करने लगता है उनके ब्लॉगिंग पेज पे और उसमें जो भी इनकम होता है गूगल को उसका कुछ परसेंटेज जो है उस ब्लॉगर को दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह आप अगर YouTube चैनल चलाते हैं तो YouTube चैनल से भी लोग एडसेंस के थ्रू ही पैसा कमाते हैं। आप देखते होंगे जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू में कुछ एड आते हैं, कभी बीच में एड आते हैं, कभी लास्ट में एड आते हैं, उसके बाद जब वो वीडियो चलता रहता है तो नीचे एड आते हैं, साइड में एड आते हैं। तो इन सब एड में जब भी कोई यूजर क्लिक करता है तो उसके जो पैसे होते हैं वो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो इस तरह से यूट्यूबर भी पैसे कमा सकते हैं एडसेंस के थ्रू। तो ये जो है गूगल एडवर्ड और एडसेंस का डिफरेंस है। एडवर्ड से क्या कर सकते हैं, आप एड दे सकते हैं गूगल को, और एडसेंस के थ्रू आप गूगल से एड ले सकते हैं और अपने वेबसाइट में प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपको इनकम हो सकता है। अब चलिए इस पूरे एडवर्ड और एडसेंस को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सपोज दैट मैंने एक शॉप खोला और मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है अपने लोकल एरिया पे, सपोज दैट गाजियाबाद पे एड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एडवर्ड में जाऊंगा, एक छोटा सा मैं एड बनाऊंगा, ठीक है, उसे एडवर्ड में जाके प्लेस कर दूंगा कि मुझे ये एड जो है गाजियाबाद में चलाना है। मैं उसे 5,000-10,000 जो भी एडवर्ड में डाल दूंगा और मैं फिक्स कर दूंगा कि मैं रोज 200 रुपए ही खर्च कर सकता हूं, ठीक है। तो एडवर्ड क्या करेगा, रोज 200 रुपए का एड ही पूरे गाजियाबाद में प्लेस करेगा। जैसे ही मेरा बिल 200 रुपए से ऊपर हो जाएगा वो बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऐड दिया, गाजियाबाद में ऐड गया, मेरे दुकान का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। अब आते हैं एडसेंस में। सपोज दैट मैंने यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है, या सपोज दैट मैंने एक वेबसाइट खोला, वो वेबसाइट काफी चल गया, ठीक है, मुझे लग रहा है कि महीने में लाखों का ट्रैफिक आ रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं एडसेंस के थ्रू अपने वेबसाइट को जोड़ दूंगा तो गूगल मुझे अप्रूव कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एडसेंस के वेबसाइट में जाऊंगा, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करूंगा और वो पूछेगा कि आप किसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, वेबसाइट को, अपना ब्लॉग को या फिर आप यूट्यूब चैनल को। तो मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट का नाम दे दूंगा कि मुझे अपने वेबसाइट को जो है मोनेटाइज करना है। वो क्या करेगा, मेरे वेबसाइट को रिव्यू करेगा, एक दो दिन के अंदर मुझे बता देगा कि आपका वेबसाइट अप्रूव हो गया या नहीं हो गया।
अप्रूव जैसे ही हो जाएगा वो मेरे वेबसाइट को मोनिटाइज कर देगा और अब मेरे वेबसाइट में गूगल के एड्स आने लगेंगे। अब क्या होगा, जब गूगल के एड्स आने लगेंगे तो जो भी यूजर्स मेरे वेबसाइट में आते हैं वो जब आप मेरे वेबसाइट को चलाते चलाते उनको उनको लगेगा कि ये एड उसके मतलब का है, तो जब वो उसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ परचेज करेंगे चाहे नहीं परचेज करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो जो पैसा गूगल को मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो एडसेंस जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट नंबर वो सारा चीज ले लिया जाता है, हालांकि पहले नहीं लिया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको पूरे अकाउंट के डिटेल डालने होते हैं। उसमें भी बहुत सारे जो है एडसेंस अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे और एक बार सारा स्टेप्स फॉलो आपने कर लिया तो उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आने लगेंगे। यहां पर जैसे ही आपके $100 से ऊपर इनकम हो जाएगा आपके नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। तो ये पूरा जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल एडवर्ड क्या होता है और एडसेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।